नमस्कार मु स्निग्धा। इतिहास सत ना मिछ? इतिहास रे अछि केते सत्य केते तथ्य, एहार भागमाप कण? कण समय परिस्थिति पुणि शासन सह रंग बदलाए इतिहास? कण क्षमता इतिहास को मोड़ी दे पारे? तथ्य लुचाइबार बा पदाकु आणिबार क्षमता शासन रो अछि कि? ए सबु एमिति प्रश्न जहाकु नेइथिबा कुहेळी ए जाय तुटिनी। किंतु गोटिए कथा स्पष्ट, जहा सत्य ताहा सत्य, एहा केबे भी बदलेनी। हुए तो अल्प समय पाए एहा को चपाई दिया जाय पारे, एहा को मोड़ी दिया जाय पारे, एहा को बदलाई दिया जाय पारे, किंतु समय र छाती चिरी एहा पदा को निश्चय आसिबो। ताजमहल को ने एबेकार कोलाहल को ने केवल एतिके कहा जाय पारिबो, आह ताज। ନିଜ ସୁନ୍ଦରତା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତାଜ, ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଏହାକୁ ଗଣାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ନିଜ ସୁନ୍ଦରତା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନିଜ ଜନ୍ମ ଏବଂ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ତାଜ। ତାଜକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିତର୍କ, ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲିଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବୟାନବାଜି, ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ରୂପ ନେଉଛି ବିବାଦ। ବିଶ୍ୱର ମହାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବିବାଦ, ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଇତିହାସକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବିତର୍କ, ସୁନ୍ଦରତା ନୁହେଁ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ, ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକକୁ ନେଇ ଘୃଣାର ଖେଳ, ସ୍ମାରକର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, ତାଜମହଲକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ବିବାଦ। ଏଥରର ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏକ ମାନଚିତ୍ରରୁ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରୁ ତାଜମହଲ ଗାଏବ ହେବା ପରେ ତେଜିଥିଲା ବିବାଦ, ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସମାଲୋଚନା। ଏହାପରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ ନେତା ମାତିଲେ ଖେଳରେ, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ। ଏହାପରେ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ୟୁପିର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସଙ୍ଗୀତ ସୋମ। ସେ କହିଥିଲେ ତାଜମହଲ ହେଉଛି ପରାଧୀନତାର ଚିହ୍ନ, ଏହା ଏକ ଗୌରବପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ ନୁହେଁ, କାରଣ ତାଜମହଲ ନିର୍ମାଣକାରୀ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। ଦେଶରୁ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ହତ୍ୟା ପଛରେ ରହିଛି ତାଜମହଲ ନିର୍ମାଣକାରୀଙ୍କ ହାତ, ଏତିକିରେ ଥମିନଥିଲେ ସୋମ। ସେ କହିଛନ୍ତି କେବଳ ଭୋଟ ପାଇଁ ଅନେକ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମୋଗଲ ବାଦଶାହଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ବଡ଼ା ଦର୍ଦ ହୁଆ କି ଆଗ୍ରା କା ତାଜମହଲ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳୋଁ ମେଁ ସେ ନିକାଲ ଦିଆ ଗୟା। କୈସା ଇତିହାସ, कहां का इतिहास, कौन सा इतिहास, क्या वो इतिहास कि ताजमहल को बनाने वाले ने अपने बाप को कैद किया था, क्या वो इतिहास कि ताजमहल बनाने वाले ने उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान से सभी हिंदुओं का सर्वनाश करने का काम किया था। ऐसे लोगों को अगर आज भी इतिहास में नाम होगा तो ये दुर्भाग्य की बात है और मैं गारंटी के साथ आपसे कहता हूं कि इतिहास बदला जाएगा। सेपटे संगीत सोम को विवादीय बयान परे बदली छि जोगी को स्वर। जोगी कहिछन्ति भारतीय को छाल रक्त एवं परिश्रम रे निर्माण होइथिबा समस्त स्मारकी को संरक्षण करा जिवो, पर्यटन दृष्टि रु एहार संरक्षण जरूरी। ताजमहल भारत के मजदूरों के, भारत माता के सपूतों की खून पसीने की कमाई से बना हुआ है। वह अपनी वास्तु के लिए जग विख्यात है। उस वह एक पुरातात्विक इमारत है। उसका संरक्षण, उसका संवर्धन, पर्यटन की दृष्टि से उसको बढ़ावा देने और वहां पर आने वाले पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा का दायित्व उत्तर प्रदेश सरकार का है। सेपटे यहाँ मुहांमुही होती विभिन्न दल राजनेता। ବିଜେପି ସାଂସଦ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି ତାଜମହଲ ଲୁଟ୍ର ଜମି ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଏମ୍ଆଇଏମ୍ ନେତା ଅସାଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱେସି କହିଛନ୍ତି ଯଦି ତାଜମହଲକୁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଲାଲ କିଲ୍ଲାରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇବା ବନ୍ଦ କରିବେ କି ମୋଦି? ଆଉ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ନେତା ଆଜମ ଖାନ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରି କହିଛନ୍ତି କେବଳ ତାଜମହଲ ନୁହେଁ, ପରାଧୀନତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରତୀକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ, କୁତବ ମିନାର ଏବଂ ଲାଲ କିଲ୍ଲାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉ, ଏଥିରେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁ। बात सही है कि जो शाहजहां ने किया वो तो जबरदस्ती उन्होंने जमीन छीना जयपुर महाराजा से, और ये अपनी जो
हमारी जो शिल्पी शास्त्रीज हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, मजदूर हैं, इन्होंने ही तो बनाया इसको। इफ व्हाट ही सेज इज ट्रू दैट द ताजमहल इज अ सिंबल ऑफ ट्रेटर्स बिल्ड बाय ट्रेटर्स देन व्हाई इज मिस्टर मोदी गोइंग टू रेड फोर्ट एंड होस्टिंग अ नेशनल फ्लैग ऑन अ प्लेस व्हिच वाज बिल्ड बाय ट्रेटर्स। क्या अकेले ताजमहल ही क्यों, पार्लियामेंट भी क्यों नहीं, राष्ट्रपति भवन क्यों नहीं, कुतुब मीनार क्यों नहीं, दिल्ली का लाल किला क्यों नहीं, आगरे का किला क्यों नहीं? ये सब गुलामी की निशानियां हैं, जाहिर है। ट्रेटर्स जिन्हें कहते हैं आरएसएस के लोग, तो अगर ये ट्रेटर्स की निशानियां हैं तो डिमोलिश कर देना चाहिए। और हम तो बादशाह से अपील करते हैं, और छोटे बादशाह से तो हमने कहा कि चलो आप आगे, हम आपके साथ चलेंगे, पहला फावड़ा आपका होगा, दूसरा हमारा होगा। राहुल गांधी जोगी एवं मोदी को टार्गेट करी कहिछंती अंधेर नगरी चौपट राजा। उत्तर प्रदेश पर्यटन मंत्री रीता बहुगुणा जोशी जवाब देइछंती ताज एवं आखपाखर उन्नति पाई सरकार 155 कोटी टंकार अनुमोदन करिछंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिछंती इतिहास एवं ऐतिह्य स्थल गुड़ी को नहीं समस्ते गर्व करिबा उचित। ताजमहल के सौंदर्य का सौंदर्य, उसकी छटा को, उसके स्थापना सुविधाओं को, पर्यटक सुविधाओं को और सशक्त करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए जब से हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार आई है, हम लोगों ने 156 करोड़ रुपए अब मुक्त किए हैं। भारतीयों को पाई नुहे, सारा विश्व पाई बड़ पर्यटन स्थली ताजमहल। राजनीतिक पानीपाग को देखिले ए विवाद शीघ्र थमिबार देखा जाउनी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। ताजमहल निर्माण को नहीं विवाद थाईपारे, किंतु एहार सुंदरता को नहीं केबे भी प्रश्न उठिनी। एहार निखुण कारुकार्य एवं विशाल परिसर समस्तंकु आकर्षित करिछि। विभिन्न प्रकारर पत्थर, मार्बल हेउ कि मूल्यवान हीरा, ए सबु ताजर सौंदर्यकु आहुरी बढ़ाउछि। आसंतु ई भव्य संरचना संपर्करे आउ किछि अधिक जानिबा। प्रेम ओ प्रणयर मुख साक्षी, पथररे प्रेमर कोमल स्पर्श, सौंदर्यर संतक ओ विश्वर सप्ताश्चर्य, बेमिसाल सुंदरता ओ निखुण कारीगरी, ताकु नेइ सबु बेले चर्चा, कारण से ताज अर्थात मुकुट। ताज भारतर ताज अर्थात मुकुट। केवल आग्रा बा उत्तर प्रदेश रा नहे, सारा भारतर परिचय। निर्माण समय 1632 रु 1653, उच्चता 240 फुट। मोगल, पर्सियान, तुर्की और भारतीय कारीगरी रो सुंदर समाहर ताजमहल। 552 एकर जमीरे रही ताजमहल रो पूरा परिसर। यह मध्य 38 हेक्टर रही ताजमहल और अवशिष्ट 138 हेक्टर रही ताज संरक्षित जंगल इलाका। मुगल सम्राट शाहजहां निज तृतीय पत्नी मुमताज का स्मृति उद्देश्य यह निर्माण करते। मृत्यु पूर्व मुमताज शाहजहां को दुईट अनुरोध करते। गोटे थिला सम्राट को मृत्यु परे तांको चारि पुंकु सिंहासन मिलो, तांको समाधि स्थान रे एक भव्य स्मृति तैयारी हो। तांकर शेष इच्छा को पूरण करी शाहजहां निर्माण करिथिले एही आश्चर्य महल, और मुमताज को नाँ रे एहार नामकरण करिथिले ताजमहल। ताजमहल निर्माण आरंभ होइथिला 1632 रे। मुमताज का स्मृति संतक निर्माण पाई शाहजहां बाछी आग्रार जमुना कूल को। एथिपाई नदी डाहाण पाख कूल मानसिंह पुत्र जय सिंह ठारु जमी किनी शाहजहां। महल निर्माण पाई नक्सा प्रस्तुत करते अनेक भारतीय और विदेशी शिल्पी, से निजक सबुठू भल लगी नक्सा को बाछी शाहजहां। यापरे मुकारत खां और मीर अब्दुल करीम नामक दुई राजकर्मचारी तत्वावधान में आरंभ है ताजमहल निर्माण कम।
1632 ରେ ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ମହଲର ନିର୍ମାଣ ସରିଲା 1648 ରେ। ଆଖପାଖ ମହଲ ଉଦ୍ୟାନର ନିର୍ମାଣ ସରିବାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ 5 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଲା। ତାଜ ନିର୍ମାଣରେ ଲୋହିତ ପଥର, ଶଙ୍ଖ ମଲମଲ ମାର୍ବଲ ସହ 28 ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। କୁହାଯାଏ ଫତେପୁର ସିକ୍ରିରୁ 1,14,000 ଶଗଡ଼ରେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲା ଲୋହିତ ଓ ଶଙ୍ଖ ମଲମଲ ପଥର। ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ରାଜା ଉପହାର ଭାବରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିଳାଖଣ୍ଡ ପଠାଉଥିଲେ, ଏପରିକି ପ୍ରଜାମାନେ ବାର୍ଷିକ କର ବଦଳରେ ଶିଳାଦାନ କରୁଥିବା କୁହାଯାଏ। ତାଜର ଚାରିପାଖରେ ରହିଛି ଲୋହିତ ଶିଳା ନିର୍ମିତ ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରାଚୀର। ଏହା 1240 ହାତ ଲମ୍ବା ଏବଂ 667 ହାତ ଓସାର। ପ୍ରାଚୀରର ପାଦଦେଶରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି କାଳିନ୍ଦୀ ନଦୀ। ପ୍ରାଚୀରର ଚାରି କୋଣରେ 4 ଟରେଟ୍, 3 ପାଖରେ 3 ଉଚ୍ଚତରଣ ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ତୋରଣ ହେଉଛି ତାଜମହଲକୁ ପ୍ରବେଶର ପ୍ରଧାନ ମାର୍ଗ। ତୋରଣର ଉପରି ଭାଗରେ ମନୋହର ସ୍ତମ୍ଭ ଗୃହ ଓ ତା ଉପରେ 26 ସୁନା କଳସ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ସଜା ହୋଇ ରହିଛି। ତାଜମହଲର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର ମୟୂର ସିଂହାସନ। ଏହାକୁ ଜୀବନ୍ତ ମୟୂର ଭଳି କରିବାକୁ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ରଙ୍ଗର ପଥର ଦରକାର ତାକୁ ଖଞ୍ଜାଇଥିଲେ ରାଜା। ଏଥିରେ ଖଚିତ ଫୁଲ ଫଳର ଚିତ୍ରକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ହୀରା ନୀଳା ମାଣିକ। ତାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପଥର ଖଣ୍ଡକୁ ଏତେ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଏହାର ଯୋଡ଼େଇକୁ ଧରିବା କଷ୍ଟକର। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ତାଜ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ଉପରେ। ତାଜମହଲର ମୁଖ୍ୟ କାରିଗର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ୟାରିସର। ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଆସିଥିଲା 28 ପ୍ରକାରର ଦାମିକିଆ ପଥର। ଭୂମିକମ୍ପରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ତୀର୍ଯ୍ୟକ ଭାବେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ତାଜମହଲର 4 ମିନାର। କୁହାଯାଏ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତାଜମହଲ 3 ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ଯାହାକି ଜଣେ ନାରୀର ମନର ଭାବକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସୂଚାଏ। କୁହାଯାଏ ଶାହାଜାହାନ ଏକ କଳା ତାଜମହଲ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ତାଜମହଲରେ ରହିଛି ଗୁପ୍ତ ବାଟ, ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ଶାହାଜାହାନ। ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ ତାଜମହଲରେ ବ୍ୟବହୃତ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଥରକୁ ଚୋରାଇ ନେଇଛନ୍ତି ଇଂରେଜମାନେ। ତାଜମହଲର ବାହାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ଅନ୍ୟ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କ କବର ଦିଆଯାଇଛି। ତାଜମହଲ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ କାମରେ ଲାଗିଥିଲେ 1,000 ଅଧିକ ହାତୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ତାଜକୁ ନେଇ ବିବାଦ କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ, ତାଜର ଜନ୍ମ ସମୟରୁ ଲାଗି ରହିଛି ବିବାଦ। ତେବେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିବାଦ କଥା କହୁଛୁ ତାହା ସତ ହୋଇଥିଲେ ସାଂଘାତିକ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ତାଜ କୁଆଡ଼େ ମୁମତାଜଙ୍କର କବର ନୁହେଁ, ଏହାର ରହିଛି ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ। ତେବେ କ'ଣ ଏହି ପରିଚୟ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଏହି ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ୍ ପରେ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଭାରତର ଅଲିଖିତ ପରିଚୟ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ଅପରୂପ ପରାକାଷ୍ଠା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କାରିଗରୀ କୌଶଳର ଅପରୂପ କୃତି। ତାଜର ଏସବୁ ପରିଚୟ ବଦଳରେ ରହିଛି କିଛି ଅନ୍ୟ ପରିଚୟ। ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ ତାଜ ମୁମତାଜଙ୍କର କବର ନୁହେଁ, ଏହାର ରହିଛି ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ। କ'ଣ ସେହି ପରିଚୟ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତାଜମହଲର ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ, ଏହା କବର ସ୍ଥାନ ନା ପୂଜାସ୍ଥଳୀ, ଏହା ସମାଧି ନା ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଏହା ତାଜମହଲ ନା ତେଜ ମହାଳୟ। ତାଜମହଲକୁ ନେଇ ଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବେ ବିଜେପି ନେତା ବିନୟ କଟିଆର କହିଛନ୍ତି, ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ନଷ୍ଟ କରି ତା ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ତାଜମହଲ, ଏହାର ନାଁ ଥିଲା ତେଜ ମହାଳୟ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିବାଦ ଉଠିଛି। ତେବେ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, କାହିଁକି ତାଜକୁ ମନ୍ଦିର ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏ ଅଭିଯୋଗ ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ। ତାଜମହଲ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ନହେଲେ ବି ଚିତ୍ରରେ। ତାଜମହଲର ଗମ୍ବୁଜ ଉପରେ ଥିବା ଏ ଆକୃତିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କୁହାଯାଏ ଏହା ହେଉଛି ଇସଲାମର ପ୍ରତୀକ, ଜହ୍ନତାରା। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ପାଖରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ଉପରେ ନଡ଼ିଆ, ତାପରେ ଆମ୍ବ ପତ୍ର ଏବଂ ତା ତଳକୁ କୁମ୍ଭ, ଅର୍ଥାତ୍ କଳସ। ଏ ପ୍ରକାରର କଳସ
केवल हिंदू मंदिर उपरे ही थाए। सही परे ताजमहल प्रवेश द्वार उपरे रही लता एवं फुलर कारुकार्य आउ एहार मझिरे रही लाल रंगर पद्मफुल जहार व्यवहार मुगल निर्माण में नहीं बर हिंदू मंदिर बा घरे होइथाय। सेहिभली इस्लाम रे मस्जिद बा मकबरा रे कोनोसे प्रकार रो फल फूल बा वृक्ष लतार आकार करा जायनी। सेहिपरि भीतर पटु गंबुज को देखिले एहा भितरे सूर्य आकार रो कारुकार्य देखिबा को मिलिबो। इस्लाम रे चंद्र रो मान्यता रहिछि सूर्य रो नुहे। कुहा जाउछि बन थिबा तळमहलार मुख्य कक्षर ठीक मझिरे प्रस्फुटित पद्मफुलर आकृति रहिछि। एहार मूल ढांचा अष्टकोणीय इस्लामीय ढांचार भीति एपरि होइ नथाय। ताजमहल रे पसिले देखिबा को मिलिबो मुमताज एवं शाहजहां को समाधि। तेबे ऊपर महलारे थिबा ए आकृति प्रकृत समाधि नुहे बोली कुआ जाउछि। ए कबर रो चारिकडे रहिछि परिक्रमा पई बारंडा भली स्थान। तेबे इस्लाम रे कबर रो परिक्रमा करा जायनि। हिंदू मंदिर रे परिक्रमार पद्धति रहिछि। ताजमहल रो भीतर भागर कांथरे रहिछि अनेक गछलता एवं कलाकृति। यहार फूलगुड़ी को देखिले जना पड़िबो एगुड़िक ओम आकारर। एभली गोटे दुईटी नुहे भीतर भाग में एमती अनेक ओम आकृति रही। ताजमहल भितर रही एक कूँ मंदिर में कूँ पोखरी बांफीर अनेक उदाहरण रही किंतु कबर में कूर उदाहरण देखा मिले। से ताजमहल कांथर रही पद्मफुल गणेश नागनागुणी आकृतिर अनेक कारुकार्य एसबु इस्लामीय कारुकार्य देखा मिले। ताजमहल रही एक संगीत कक्ष बा नौबतखाना मंदिर रे नाट्य मंडप बा संगीत कक्ष थाए। आरती समय रे वाद्यजंत्र एठु बाजी थाए एवं एठी संगीत शिक्षा बा आसर होई थाए। किंतु मस्जिद बा कबरस्थान रे संगीत कक्ष केबे देखा जायनी। सेहिपरि ताजमहल रो नामकरण मुमताज को ना अनुजाई होइथिबा कुहा जाउछि। किंतु मुमताज को ना मुमताज महल नुहे मुमताज उल जमानी थिला। ता छड़ा आरब बा अफगानिस्तान रे कोनोसी मस्जिद रो ना रे महल व्यवहार होइथिबार नजर नाही। दावी होउछि तेजो महालर अपभ्रंश होई ताजमहल होईछि। प्रकृत रे संपर्कित प्रमाण आधार रे प्रथम प्रश्न उठाइथिले प्रसिद्ध इतिहासकार पीएन ओक। 1999 रे तांको पुस्तक ताजमहल ए ट्रू स्टोरी रे से एहाकु तेजो महालय बोली दावी करथिले। किंतु 2000 मसिया रे ए निर्माण हिंदू राजांका द्वारा निर्मित बोली दावी करी ओक को द्वारा दायर होइथिबा पिटीशन को खारज करथिले सुप्रीम कोर्ट। सेहिपरि सूचना अधिकार आईन अनुजाई पचरा जाइथिबा ए प्रकार एक प्रश्नर उत्तर सरकार एजाए देइपारि नाहंती। 2015 रे संसद रे एक प्रश्नर उत्तर दे केंद्र संस्कृति मंत्री महेश शर्मा कहिथिले ताजमहल शिवालय कि नुहे से संपर्क रे केंद्र सरकार को पाखरे वर्तमान सुधा कोनोसी प्रमाण नाही। ब्युरो रिपोर्ट ईटीवी न्यूज। एबे नेबा आउ एक ब्रेक। आउ ब्रेक परे जानिबा ताजमहल रो किछि गुप्त रहस्य संपर्क। ब्रेक परे स्वागत। ताजमहल संपर्क रे रहिछि अनेक तथ्य जेतिकि तथ्य ताठारु अधिक संदेह आउ द्वंद। या भीतर गोटिए होछि ताज संपर्कित केतेक गुप्त रहस्य संपर्कित। कुहा जाउछि ताजमहल रो तळ महलारे रहिछि अनेक एमिति कक्ष रहिछि अनेक एमिति स्थान जहाँ वर्ष वर्ष धरि बंद होइ रहिछि। आउ जदि एहा खोले तेबे खुलि जिवो ताज संपर्कित समस्त रहस्य। से जेतिकि सुंदर सेतिकि रहस्यमय। ताकु जेतिकि जानिबे सेतिकि कम पड़िब। एबे भी दृष्टि आढ़ुआल रे ताजर अनेक अंश। सतरे कण ताजर तल महलारे रहिछि गुप्त कक्ष? जदि अछि एथिरे लुचि रहिछि कि धनरत्न? एहाकु नै काहेकि हेउनि अधिक गवेषणा? एमिति करी इतिहास पृष्ठा को नष्ट करा जाउनि त? ताजमहल को नै एमिति अनेक प्रश्न। एभली प्रश्न आपणक मनरे भी आसुथिबा।